आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो यूएस और यूरोप में गूगल पिक्सल फोन्स बना के सप्लाई करती है और बनाती है वो भारत में। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। लास्ट डेढ़ साल में कंपनी जो शेयर प्राइस में 450% की ग्रोथ हमको देखने मिली, मतलब जिन्होंने 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, कंपनी ने कर दिया सिर्फ डेढ़ साल में उसको 4.5 लाख रुपए। इंडिया में टेलीविजन जो डिमांड है उसको 35% अकेले फुलफिल करती है ये कंपनी। अगर पूरे साल में 100 टीवियां बिकती हैं तो 35 टीवियां यही कंपनी सप्लाई करती है। आइए आज जानते हैं सब कुछ डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। नमस्कार, मैं जीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की तो आप देख सकते हैं गूगल, Xiaomi, सैमसंग, मोटरोला, पैनासोनिक, TCL, HP, OnePlus, गोदरेज, विप्रो, हैवेल्स, मोस्ट ऑफ जितनी भी कंपनीज हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से सर्विसेज लेती हैं। अब हम समझेंगे कि कंपनी किस तरीके से अपने मोनोपोली को क्रिएट कर रही है अपने मार्केट में और कौन कौन से सेगमेंट में काम करती है। टोटल कंपनी 10 सेगमेंट में काम करती है। वैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी काम करती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, LED में, LED बल्ब में, स्मार्टफोन में। हम लोग पूरे डिटेल को एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। कंपनी की शुरुआत हुई 1993 में, सुनील जी ने कंपनी की शुरुआत की जो सुंदर जी के पिता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी कलर TVs और इस सेगमेंट में एक लार्ज प्लेयर थी। अब इस सेगमेंट में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आने लगी बाकी प्लेयर्स भी आने की वजह से, और ईयर 2000 में गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग का, और यहां से फिर कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद कंपनी ने LG इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ टाई अप किया जहां पे माइक्रोवेव्स बनाए, DVD प्लेयर्स बनाए अलग अलग कंपनीज के लिए। आज गूगल और अमेरिका में जितने भी गूगल पिक्सल स्मार्टफोन बिकते हैं मोस्ट ऑफ वो यही कंपनी प्रोवाइड करती है। बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है LED TV जो इनका प्लांट है तिरुपति में, देहरादून में ये बल्ब बनाते हैं LED बल्ब। थोड़ी सी बात करते हैं रेवेन्यू की। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 41.6% से रेवेन्यू बढ़ा है। आज हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं वो सितंबर 2024 में बना रहे हैं। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है, कितने भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर हैं वो कितना भी सेल करें अपने अपने सेगमेंट में, मगर बाय डिफॉल्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी को ही मिलता है और वही वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर में कंपनी किस तरह से ग्रो करेगी एक एस्टिमेट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में 49.9% का मार्केट कैप ओन करता है। मार्केट कैप, मार्केट शेयर नहीं। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो 4 सालों में 66.55% से ग्रो किया है अपने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, और ये जो मार्केट है सिर्फ 4.49% से बढ़ा है। मतलब ये समझना कि जो मार्केट बढ़ा है 4.49% से, और डिक्सन टेक्नोलॉजी ने यही सेगमेंट में 66 पॉइंट से ग्रो किया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंट्रीब्यूट करती है 40.48% का सेल्स रेवेन्यू, और जो नेट प्रॉफिट है वो पूरे इंडस्ट्री में 26.94% अकेले जनरेट करती है। मतलब पूरे इंडस्ट्री में इस सेगमेंट में अगर 100 रुपीज़ की चीज बिक रही है तो 40.48 रुपीज़ अकेले डिक्सन टेक्नोलॉजी बेच रही है, और अगर इस पूरे इंडस्ट्री में अगर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 26.90 रुपया अकेले डिक्सन टेक्नोलॉजी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने साइज की वजह से इस इंडस्ट्री में एक एडवांटेज क्रिएट कर रहा है और कंटिन्यू अपने बिजनेस को स्केल अप कर रहा है। हम डिटेल में बात करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट की। सबसे पहला जो है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में कंपनी काम करती है जहां पे कंपनी LED पैनल्स, LED TV बनाती है, और 2023 से लेकर 2030 तक ये जो ओवरऑल मार्केट है वो 13.5% सीजर से ग्रो करता रहेगा भारत में। जो सेकेंड सेगमेंट है वो है होम अप्लायंसेस का। यहाँ पे जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है वॉशिंग मशीन्स, और वॉशिंग मशीन्स भारत में 9.1% सीजर से बढ़ता रहेगा 2028 तक, इसकी सेल बढ़ती रहेगी तो यहाँ पे भी कंपनी को इसका फायदा मिलेगा। और जो कंपनी की कैपेसिटी है आज 12 लाख वॉशिंग मशीन बना सकते हैं पूरे साल में। जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है लाइटिंग सॉल्यूशंस। कंपनी LED लाइट्स बनाती है 5 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक, इनडोर आउटडोर आप देख सकते हैं, लैम्प हर चीज़ बनाती है। चौथा सेगमेंट है मोबाइल फोन्स। कंपनी ने 2016 में इस सेक्टर में एंट्री की, और यहाँ पे कंपनी आज हर एक बड़े ब्रांड को, हमने पहले ही बात किया, आज उनके लिए वो मोबाइल फोन्स बनाती है। यहाँ पे गूगल पिक्सल, सैमसंग, Xiaomi, हर एक सेगमेंट के लिए।
अब यहां पे देखें तो मोबाइल जो फोन है उसका ग्रोथ 7.99% सीजर से हो रहा है, और वहीं 5G की बात करें तो 5G डिवाइस 77% सीजर से बढ़ रहा है। मतलब यहां पे लोग 4G से 5G तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और यहां पे अपने स्मार्टफोन बदलते जा रहे हैं। तो मतलब यहां पे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी को इसका एक बढ़िया फायदा मिलेगा, और कंपनी को इसी साल में हम लोग आगे रेवेन्यू की बात करेंगे तो 60% का जो रेवेन्यू है इसी सेगमेंट से आया है। पांचवा जो सेगमेंट है वो है सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कैमरा और DVR मैन्युफैक्चर कर रही है भारत में। जो सिक्योरिटी का जो सेगमेंट है वो भी कंटिन्यू ग्रोथ ग्रो किए जा रहा है। आज हम लोग देखें तो हर जगह हमको ये चीज़ें देखने मिलती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में, मॉल्स में, ATM में, बैंक्स में, पुलिस स्टेशंस में, डिफेंस सेक्टर में, हर जगह ये सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बढ़िया ग्रोथ हमको देखने मिलेगी और इस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मशीन बनाती है। 2020 में उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। 190 से 200 टेस्ट ये कर सकते हैं हर दिन, और यहाँ पे थर्मामीटर भी क्रिएट किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी ने, जिसे इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव किया है। सातवां प्रोडक्ट है सेटअप बॉक्स। कंपनी सेटअप बॉक्स भी बनाती है। 2020 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था और DTH कंपनी से इनको काफ़ी ऑर्डर्स मिले थे इसके लिए। आठवां सेगमेंट है IT हार्डवेयर। कंपनी आज IT हार्डवेयर सेगमेंट में भी कंपनीज को सर्विसेज दे रही है, लैपटॉप टैबलेट्स बना रही है PLI स्कीम के अंडर में। रिसेंटली इन्होंने PLI स्कीम के अंडर में HP, लेनोवो, एसर, आशू ये सब कंपनी के लिए लैपटॉप्स मैन्युफैक्चरिंग किए हैं, टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। नोवा सेगमेंट है रेफ्रिजरेटर्स। कंपनी रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग भी करती है नोएडा फैक्ट्री में, जहाँ पे हमने बताया कि 12 लाख यूनिट पर ईयर ये बना सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे 175 से लेके 235 लीटर तक के रेफ्रिजरेटर से बनाते हैं, और इंडिया के रेफ्रिजरेटर्स डिमांड को 10% तक यही कंप्लीट करते हैं, और ये इंडस्ट्री भी 9.1% सीजर से ग्रो करती रहेगी आगे भी। दसवां जो प्रोडक्ट है वो है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। कंपनी रिपेयर्स एंड रिमबर्समेंट सर्विसेज भी देती है। लैपटॉप मोबाइल्स जो भी एक फ़ोन खराब हो जाए, लैपटॉप खराब हो जाए, उसे वापस लेके वो बना के देती है, ये सर्विसेज भी कंपनी देती है। अब तक हम लोग ने पूरी डिटेल में बात की कि कंपनी क्या क्या चीज़ें बनाती है। कंपनी ने अभी जस्ट ब्लूटूथ स्पीकर भी बनाना स्टार्ट किया है। अब कंपनी काम करती है पर्टिकुलर दो सेगमेंट में, सेगमेंट को समझते हैं उसके बाद रेवेन्यू को समझेंगे। कंपनी काम करती है OEM मॉडल पे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और सेकेंड है ODM मॉडल पे, ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरर। डिक्सन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन करती है अपने क्लाइंट के हिसाब से, जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि डेवलप करके मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो भी करती है, और डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो भी करती है। अब कंपनी ODM सेगमेंट में डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में स्क्रैच से डेवलप करती है प्रोडक्ट को, उसका डिजाइनिंग करती है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या यूज होंगे सब कुछ कंपनी 0 to Z देखती है। अब देखते हैं 2024 में इस 9 महीने में कंपनी को कहां कहां से क्या क्या रेवेन्यूज आए हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 25%, लाइटिंग प्रोडक्ट से 12%, होम अप्लायंसेस से 7%, मोबाइल एंड EMS मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से 60%, और सिक्योरिटी सिस्टम से 3%। कंपनी के पास 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं इंडिया में और चाइना में। अब हमने देखा कि कंपनी में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो EMS सेगमेंट से आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अभी जिस सेगमेंट से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कंपनी अपनी कैपेसिटी को भी उसी तरह बढ़ा रही है। यहाँ पे देखें तो कंपनी 2025-2026 तक 30 लाख स्मार्टफोन और 50 लाख फीचर्स फोन्स बनाने की कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी अपने नोएडा प्लांट से। अभी कंपनी 11 लाख स्मार्टफोन और 26 लाख फीचर्स फोन बना रही है। अगर हम लोग देखें तो कंपनी के पास प्रॉपरली 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अगर हम लोग कंसोलिडेट करें तो कंपनी न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है, जहां पे कंपनी अपने कैपेसिटी को 24 लाख पर ईयर कर सके। जो अभी कंपनी का जो कैपेसिटी है वॉशिंग मशीन का जो 12 लाख है, उसको 24 लाख कर सके। हमने बात की कि कंपनी काम कर रही है PLI स्कीम में, जहां पे कंपनी 5 सेगमेंट सर्विसेज दे रही है, और PLI स्कीम में अप्रूवल भी लिया है गवर्नमेंट से। देखें तो मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम नेटवर्किंग, IT हार्डवेयर, कंट्रोल बॉर्डर, एयर कंडीशंस। थोड़ी सी बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की। जो कंपनी है वो जॉब लेबर का काम करती है, मतलब कंपनी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेती है, और उनको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो उनके क्लाइंट है उनको सर्विसेज देती है, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के इस पूरे वीडियो की।
कंपनी आज टोटल 10 सेगमेंट में काम कर रही है और हर एक सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलता है और आगे भी इसी सब सेगमेंट में ग्रोथ स्टार्ट होगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि अब 20 साल यही सब इंडस्ट्री राज करेंगी आने वाले, और उसके बाद ही हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे, उसके बाद ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और जो चेंज करेगी पूरे वर्ल्ड को और पूरे इंडस्ट्री को। पर ओवरऑल 20 साल तक तो यही सब जो कंपनीज हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, टीवी है, सिक्योरिटी सिस्टम है, यही सब चीज़ें कंटिन्यू ग्रो करती रहेंगी। और इसी सेगमेंट में कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है मार्केट लीडर्स को, जो सबसे ज़्यादा सेल कर रही है पूरे इंडिया में। और इंडिया में भी देखें तो 35% 28% सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बेचे, बाय डिफॉल्ट टेक्नोलॉजी को इसका फायदा मिलेगा। 30 रिसर्च में से 15 लोग इसी लेवल पे कंपनी के शेयर प्राइस को बाय करने को रिकमेंडेशन दे रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मार्केट इस तरीके से हाई है, अगर मार्केट थोड़ा सा फॉल आता और प्राइस अगर थोड़ी और नीचे आती है 11,000 या 10,000 तक, तो एक बढ़िया हमको बाइंग प्राइस मिलेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी में। मगर डिक्सन टेक्नोलॉजी किसी भी प्राइस पे लेना एक वर्थ लगता है। मैं जरूर इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, मगर सही समय आने पे, जब भी प्राइस में थोड़ा सा फॉल आएगा, क्योंकि ओवरऑल ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, ओवरऑल डिक्सन टेक्नोलॉजी ग्रोइंग है। शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो। नमस्कार, धन्यवाद।